अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी, आई एम मिस एनी योर उर्दू टीचर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा उनवान है हर्फ खे की लिखाई। हर्फ खे की लिखाई। बे के ख़ानदान के बाद जीम का ख़ानदान आता है। जीम के ख़ानदान का पहला हर्फ है जीम, दूसरा है चे, तीसरा है हे और चौथा और आखिरी हर्फ है खे। जीम के ख़ानदान का चौथा और आखिरी हर्फ है खे। खे के सर पे एक नुक्ता होता है और खे की आवाज़ है ख ख। ख खरगोश, ख खरबूजा, ख खैमा, ख ख्वाब, ख। चले हम इसकी लिखाई का तरीका शुरू करते हैं। आप अपनी नोटबुक ले लें, पेंसिल और अरेज़र, ताकि आप मेरे साथ लिख सकें और इसकी मश्क बार बार फिर करते रहें सीखने के बाद। मैं आपको इसकी लिखाई का तरीका सिखाती हूँ। सबसे पहले उर्दू की नोटबुक में आपकी लाइंस लगी हुई हैं ऑलरेडी। आपने पेंसिल को हाथ में लेना, ऐसे लाइन से थोड़ा सा ऊपर की जानी फासले पे एक नुक्ता लगाना है। नुक्ते से थोड़ा सा ऊपर आए, पीछे की जानी आए और नीचे से गोल घुमा के थोड़ा सा लाइन से ऊपर आके आपको पेंसिल छोड़ देनी है। खे के सर पे एक नुक्ता होता है, ये देखिए खे के सर पे एक नुक्ता होता है। मैं दोबारा खे की लिखाई आपको बताती हूँ। लाइन से ऊपर की जानब एक नुक्ता लगाई, नुक्ते से थोड़ा सा ऊपर जाना है, पीछे की जानब आना है, नीचे से गोल घुमा के ऐसे लाइन से थोड़ा सा ऊपर तक आपका खे मुकम्मल हो जाएगा। खे के सर पे एक नुक्ता, ये देखिए खे, ये है आपका हर्फ खे। खे नुक्ता लगाए, ऊपर की जानब पीछे की जानब आए और नीचे से गोल घुमा के आपका हर खे मुकम्मल हो जाएगा। अब आप पेंसिल पकड़ें, नोटबुक खोलें, मेरे साथ खे की लिखाई। नुक्ता लगाया, ऊपर की जानब आए, पीछे की जानब और गोल घुमा के यहाँ से आपने पेंसिल उठा ली और खे के सर पे ऐसे नुक्ता बना दिया। खे की आवाज़ है ख ख। आप जितनी ज़्यादा खे की मश्क करेंगे आपको इसकी लिखाई आ जाएगी आराम से। जीम चे हे खे की लिखाई का एक ही पैटर्न है, एक ही तरीकाकार है। जैसे आप जीम लिखते हैं तो आप नुक्ता बनाते हैं, ऊपर की जानब आते हैं, पीछे की जानब और नीचे से गोल घुमा के ऊपर और जीम के पेट में आप एक नुक्ता लगाते हैं। चे के पेट में आप तीन नुक्ते लगाते हैं, हे में कोई नुक्ता नहीं होता, तो इसी तरह रहता है। लेकिन जब खे आपने बनाना है तो खे के सर पे एक नुक्ता लगाना है। ये देखिए बहुत आसान है, बार बार मश्क करने से आपको तरीकाकार समझ आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपने मुसलसल इसकी प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपको खे की लिखाई का सही तरीका ना आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।